excellent. Thank you so much. Thank you for traveling with Indigo. Hi everyone, my name is Palak. I hope you're doing well. ये बहुत special flight है क्योंकि मेरे पापा मेरी flight में 1.5 साल के मेरे career में पहली बार travel कर रहे हैं. पूरी story जानने के लिए कि वो कैसे travel कर रहे हैं, watch the full video. I am sure you are going to love this video. राजे क्या कर रहे हो? मेरे पापा 2 दिन पहले दिल्ली से बैंगलोर गए, देन ही स्टेड इन द बैंगलोर फॉर 1 डे. क्योंकि मेरी कोई दिल्ली से फ्लाइट नहीं थी तो इसीलिए वो मुझे वहाँ से ऑपरेट कर, मतलब ही वांटेड टू ट्रैवल इन वन ऑफ माय फ्लाइट्स. बट मुझे 1.5 साल हो गया काम करते हुए एंड ऐसा कभी मौका नहीं मिला. एंड नाउ दैट आई एम, इट वाज माय सेकंड लास्ट फ्लाइट टुडे. आज सुबह बैंगलोर से भोपाल आई वॉज ऑपरेटिंग, तो उसमें वो बैंगलोर से भोपाल गए एंड कल वो वापस भोपाल से दिल्ली जाएंगे. एंड वो इतना सारा ट्रैवल उन्होंने सिर्फ इसीलिए किया जस्ट सो दैट ही कुड सी मी ऑपरेटिंग अ फ्लाइट. कैसा लगा आपको? अच्छा था. हाउ वाज माय वर्क? ओह यस, इट वाज फैंटास्टिक, इट वाज ग्रेट. थैंक यू सो मच. एंड हाउ वाज योर फ्लाइट? यस, इट वाज एक्सीलेंट. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग विद इंडिगो. इफ द फ्लाइट डजंट इन्फ्लेट, पुल द रेड हैंडल व्हिच इज लोकेटेड इनसाइड. Move out of the aircraft immediately. इस विमान में 10 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 बीच में, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर. ध्यान रहे कि निकटतम द्वार आपके पीछे भी हो सकता है. हम लोग फाइनली सुबह 9 बजे भोपाल पहुंच गए थे एंड फिर वो वहां से दिल्ली ट्रैवल कर रहे थे वापस घर जाने के लिए. दिस वॉज द बेस्ट मोमेंट. मुझे इतना प्राउड आज तक अपनी लाइफ में कभी भी फील नहीं हुआ है. एंड बेस पे जाके मुझे फॉर ईच अदर बैच मिला, जो कि आपको तब मिलता है जब आपको कोई और डिपार्टमेंट से, जैसे कि हम क्रू हैं तो आपको ग्राउंड स्टाफ या सिक्योरिटी से कोई आपके काम के लिए अगर आपको अप्रिशिएट करता है, तो इन इंडिगो वी गेट अ फॉर ईच अदर बैच जो कि ऐसे हमारे लैनयार्ड पे लगता है. तो ये यहाँ पे मेरी लीड मेरे लैनयार्ड पे वो बैच लगा रही थी और आप मेरी स्माइल से देख सकते हो हाउ हैप्पी आई वॉज. थैंक यू सो मच. थैंक यू, यू मेड माय. वन एंड हाफ, ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं एंड आई एम बैक. बट मैंने चेंज नहीं किया है एंड मैंने अपना मुंह भी नहीं धोया है. मैं सिर्फ आज की फोटोज और वीडियोस देख रही हूँ. मतलब आज का दिन इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ एंड आई वाज जस्ट सो प्राउड. मतलब मैं, पता है, मैं पूरे टाइम ऐसे स्माइल कर रही थी क्योंकि ऑल माई लाइफ, all these 23-24 years he has been taking care of me and for that one and a half hours I was the one who was responsible for his safety, for his security, for his health, for everything. And just I mean main itni overwhelmed hu na, mera man bhi nahi hai uniform change karne ka kyunki I just don't want, मुझे ऐसा फील नहीं करना है कि दिस डे हैज़ एंडेड. एंड माय बेस टीम अगेन विश्ड मी अ लॉट ऑफ लक फॉर माय फ्यूचर. इट वाज अ ग्रेट डे एट द बेस आल्सो. फ्लाइट के बाद वापस आए हम लोग बेस पे तो सब लोगों ने मुझे बोला कि फलक ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड वी होप दैट यू आर नॉट लीविंग बट यू नो आई यू कांट हैव इट बोथ वेज. आई हैव डिफरेंट प्लान्स in my life. So tomorrow is my officially last day with the company and I don't know. I mean I don't know what to say. ये इतना एक, मतलब it's been 1.5 years and हमेशा जब अनाउंसमेंट होता था, वेलकम अनाउंसमेंट, सो लीड यूज्ड टू से आज एंड सो लीड यूज टू से आज के विमान कर्मी दल सबका नाम होता बोलते थे वो एंड मेरा नाम होता था उसमें से. सो मतलब अब वो नाम नहीं होगा. अब आई एम नॉट गोइंग टू बी अ कैबिन आई एम नॉट गोइंग टू बी अ कैबिन क्रू एनी मोर एंड आई
with new with endings comes new beginning and I just hope कि मेरी जो new beginning आने वाली है वो भी बहुत अच्छी हो जैसे मेरी ये वाली beginning और ending थी and I am so grateful to God that you know he gave me this opportunity to I'm just so grateful for everything trust me and because you know coming from a middle class family ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं किसी कंट्री में घूमने जाती तो वो शायद एक कंट्री होती मैक्सिमम दो भी नहीं होती एंड आई हैव सीन सो मैनी कंट्रीज एंड आई हैव सीन सो मैनी सिटीज आई नेवर ड्रीम्ड दैट यू नो आई वुड बी एबल टू गो टू कामाख्या टेम्पल विच इज़ इन गुवाहाटी एंड आई वेंट देयर एंड आई वेंट टू लॉट ऑफ प्लेसेज एंड आई जस्ट it all just happened because of this job and I'm going to be so grateful yeah the downfalls were there health issues lot of health issues and everything but yeah I am going to cherish this 1.5 years of my life forever till the day I died sab log bolte hain ki falak aapne kitne acche se plan kiya tha sab kuch kyunki mera plan yahi tha since the start ki I'll do this फॉर अ वाइल एंड उसके बाद आई विल लीव क्योंकि आई डू नॉट वॉन्ट टू डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस दिस इज़ माई डिसीजन एंड सब लोग ये बोलते हैं कि मतलब आपका इट इज़ सो वेल प्लान्ड आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन जुलाई 2021 आई मेरी ट्रेनिंग थी अक्टूबर 2021 से मतलब मैंने मेरा ऐसा एक भी टाइम या ऐसा मेरा एक भी महीना नहीं था बीच में अब तक स्टार्टिंग से लेके अब तक स्टार्टिंग मतलब मेरी लाइफ के स्टार्टिंग से लेके अब तक जहाँ पे मतलब मैं एकदम क्लूलेस हूँ कि भाई मुझे करना क्या है क्योंकि आई ऑलवेज न्यू कि मुझे आगे क्या करना है मैंने सब चीज़ें बहुत अच्छे से प्लान करके रखी हुई थी और अभी भी हैं इंशाल्लाह आई होप इट ऑल कम्स ट्रू एंड आई होप कि द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ माई लाइफ इज़ एज ब्यूटिफुल एज दिस चैप्टर एंड या आई एम जस्ट सो ग्लैड दैट I got to share everything with you guys. Thank you so much to everyone who have subscribed to this channel and watches my videos. It really makes a huge impact on my life. Thank you so much. And मैं तो बोलती रहूँगी यार अगर मैंने वीडियो बंद नहीं करा so we will आगे की बातें हम दूसरी वीडियो में करेंगे. Thank you so much. If you are here अभी तक please like this video please do leave a comment any comment which you would like to say to me or any feedback and don't forget to be kind to everything that lives toodles